दिवस पर नारी शक्ति संस्थान द्वारा जीडी ग्लोबल स्कूल व एएन मेमोरियल स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सभी को पौधों को संरक्षित करने का संकल्प दिलाया गया। संस्थान ने अपील किया कि दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने ऑक्सीजन के लिए दो पौधे लगाएं और पर्यावरण को संतुलित करें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारी शक्ति संस्थान की तरफ से भी शहर के जीडी ग्लोबल स्कूल पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान इन लोगों द्वारा इस बात का संकल्प लिया गया कि वह अब अपने जन्मदिन पर केक काटने के बजाय एक पौधे को लगा करके उसकी देखरेख करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण दिवस मना लेने से केवल हमारा काम नहीं चलेगा। अब आवश्यकता है जब आने वाले समय में हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आगे आएँ। आज हम लोगों ने ट्रेंड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और हम लोगों ने कम से कम 100 पेड़ तो लगाए हैं, क्योंकि पेड़ से ही हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ रहेगा तो हम लोग की का जीवन बना रहेगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम लोगों ने ये सोचा है कि अब बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह ना दे करके एक पौधा दिया जाए, जिससे कि वो पौधा लगाएं और इसी से पेड़ बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कई जगहों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया विश्व पर्यावरण दिवस पर, और कई स्कूलों में मंदिरों में जाके हम लोगों ने पेड़ लगाया, और मेहता पार्क में जा करके हम लोग रक्षा सूत्र भी बांधे पेड़ में, और यह संकल्प लिया कि हम लोग पेड़ को जीवन देंगे और उनकी रक्षा करें। और ये भी संकल्प लिया कि अब हम लोग बर्थडे पर केक न काट के एक एक पौधा गिफ्ट करें, जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हमारा देश सुरक्षित रहे।